नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप, इस एप्लीकेशन का नाम है थर्ड आई, तो जिसके मदद से आप जो क्या कर सकते हैं, आपके फ़ोन पे ऐसे सेट कर सकते हैं, कोई भी आपका फ़ोन को टच करेगा उसके बाद आपके फ़ोन के लॉक कोड को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो अगर रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर डाल देता है तो साथ ही साथ ये जो फ़ोन है आपका जो है फ़ोटो ले लेगा। आपका मतलब कोई भी अगर उस रॉन्ग पासवर्ड को डाल देगा तो साथ ही साथ उसका फ़ोटो ले लेगा। एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार एप्लीकेशन है। चलिए मैं अभी आपको इसको यूज़ करने के बाद बताता हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो कोई भी अगर पर्सन आपके फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड डाल देता है तो उसको फ़ोटो ले लेगा। तो चलिए बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जो इस टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के डाउनलोड, तो इस लिंक पे क्लिक करने का होगा और उस लिंक पे क्लिक करने के साथ साथ आप जो इस साइड में चले जाएंगे, और इस साइड में आने के बाद मैं एक छोटा सा आर्टिकल लिख चुका हूँ, चाहे तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के आप जो है पूरी चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर नीचे डाउनलोड के इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपली आप जो है इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर करते जाइए, जो भी आपके सामने यहाँ पर आता है यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और कुछ भी परमिशन आता है तो आपको यहाँ पर सिंपली जो है अलाउ कर देना है, उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको एक परमिशन आएगा, तो यहाँ पर इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपके फ़ोन में जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जनरल के ऑप्शन पे हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये सिंपली एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद अनलॉक, और यहाँ पर देखिए फोटो लॉक। तो फोटो लॉक पर जाने के बाद जो भी फ़ोटो खींचेंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को आपको इनेबल करना है, अगर ये डिजेबल होता है तो मेरा ये पहले से यहाँ पर इनेबल है तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आपको कितना एटम पे ये फ़ोटो लेंगे, तो आप यहाँ पर सिंपली 1 एटम कर दीजिए, क्योंकि वो पर्सन अगर एक बार यहाँ पर क्लिक करता है मैंने यानी कि रॉन्ग पासवर्ड डाल देता है तभी ये फ़ोटो लेगा। अगर आप 2, 3, 4 पासवर्ड कर देंगे तो कोई अगर 2, 3, 4 बार पर यहाँ पर भूल पासवर्ड एंटर करेंगे तो ही फोटो लेगा। तो आप एक बार कर दीजिए। दोस्तों, सब कुछ काम हो जाने के बाद आप सिंपली आपके फ़ोन को यहाँ पर अनलॉक कर लीजिए, उसके बाद और कोई भी गलत पैटर्न यहाँ पर डाल दीजिए और ये सिंपली नॉर्मली आपका जो फोटो यहाँ पर ले लेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ट्राई करके बताता हूँ।